बच्चों गुड इवनिंग। सभी लोग अच्छी तरह से होंगे और पढ़ाई के लिए लगातार जो है मेहनत कर रहे होंगे और अपनी मेहनत आपकी मेहनत साकार हो, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। तो बच्चों अभी तक जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन कर रहे होंगे, बहुत अच्छा जो है तैयार कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, सिक्कों के विषय में पूछा जाता है, अनेक परीक्षाओं में, लेखपाल परीक्षा, अन्यथा एसएससी परीक्षा या पुलिस लेवल की परीक्षा, कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें इस प्रकार की क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। तो आज हम आपको जो है टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है आपका मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था। मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था पढ़ा रहे हैं तो फिर जब मुद्रा की बात आती है तो सबसे पहले तो कहा जाता है तुम्हें सिक्कों का अध्ययन कराया जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग काल में कुछ मुद्राएं जो हैं प्राचीन काल में चली हैं और कुछ मुद्राएं सल्तनत काल में चली हैं, लेकिन जो मुद्राओं का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ वो मुगल काल में हुआ और मुगलकालीन मुद्राओं के विषय में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अनेक शासकों ने अपने अपने तरह से मुद्रा चलाई। तो आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपकी मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था, ये दिमाग क्वेश्चन समझ लेना, जिसमें आपको जो है अकबर के समय की मुद्राएं बताएंगे, इसके अलावा जहांगीर के समय की मुद्राएं बताएंगे, शाहजहां के समय की मुद्राएं बताएंगे और कौन सी मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा है इसके विषय में भी आपको अवगत कराया जाएगा। तो बच्चों ठीक लेकर चलते हैं आपको मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था की ओर। तो अकबर से चलते हैं। अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया। अगर क्वेश्चन यह आ जाता है यहाँ पर कि अकबर ने मुद्रा व्यवस्था को विकास करने के लिए शाही टकसाल का निर्माण कहाँ पर कराया, टकसाल का आशय होता है जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं। तो अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया और अब्दुल समद, हालांकि अब्दुल समद चित्रकार था, अब्दुल समद जो है वो चित्रकार था, लेकिन फिर भी अब्दुल समद को उसका प्रधान नियुक्त किया था। जो शाही टकसाल का निर्माण कराया था उसका प्रधान जो है वो अब्दुल समद को नियुक्त किया। अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल एक प्रसिद्ध मुगल काल का प्रसिद्ध लेखक था, अकबरी का लेखक माना जाता है उसे, अकबर नामा की रचना उसने की थी। तो अबुल फजल के अनुसार मुगल काल में सोने के सिक्कों की 4 टकसालें बनाई गई, चांदी के सिक्कों की जो है आपकी 14 टकसालें बनाई गई और तांबे के सिक्कों की 42 टकसालें बनाई गई थी। टकसालों का आशय समझ गए होंगे, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। तो सोने के सिक्कों की 4 टकसालें, चांदी के सिक्कों की 14 टकसालें और तांबे के सिक्कों के लिए 42 टकसालें। इस पूरे इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मुगल कालीन टकसाल का निर्माण किसने सबसे पहले, तो आपका अकबर ने जो है मुगल कालीन टकसाल का निर्माण कराया, जिसे शाही टकसाल कहा जाता है और वो आपका दिल्ली में है। तो समझ गए होंगे कि टकसाल जहां पर सिक्के डाले जाते हैं, और सोने के सिक्के की टकसालें अलग थी, चांदी के सिक्के की टकसालें अलग थी और तांबे के सिक्कों की टकसालें अलग थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब आपका आपका जाता है कि टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था, इसी तरह अलग अलग शासकों के विषय में कुछ विसिद्धियाँ जाती है सिक्कों के विषय में। जैसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राम सीता की आकार के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो राम सीता की आकार के सिक्के जो चलाए गए थे वो अकबर ने चलाए थे, राम सीता के आकार के सिक्के अकबर ने चलाए थे। और सूर्य चंद्रमा की महिमा में वर्णित उच्च पदवी मिलती है, जिसमें सूर्य चंद्रमा की महिमा में वर्णित बहुत उच्च पदवी मिलती है। अकबर ने कुछ सिक्कों पर कुछ सिक्के जैसे अकबर ने कुछ सिक्कों पर उसे हाथ में शराब का
प्याला लिए हुए दिखाया गया है। अकबर ने कुछ सिक्कों पर उसने जो है शराब का प्याला हुए दिखाया गया है, कुछ सिक्कों पर उसने हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से आप समझना कि राम सीता के आकार के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, अकबर के द्वारा चलाए गए। टकसाल के अधिकारी क्या कहा जाता था, दरोगा कहा जाता था। और नेक्स्ट इसके बाद बढ़ते हैं, और इसके बाद जो है आपका जाता है कि असीरगढ़। ये नाम बहुत, हालांकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता बहुत, ये दो क्वेश्चन इससे, इस असीरगढ़ शब्द से या दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। हालांकि ये सिक्कों से संबंधित नहीं है, लेकिन असीरगढ़ शब्द आ गया तो मैं उस सिक्कों के विषय में बता दे, उसके विषय में बता दे रहे हैं। अकबर की अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर की प्रथम विजय कौन सी थी, अकबर की प्रथम विजय कौन सी थी, तो आपकी मालवा विजय जाती है। अकबर की प्रथम विजय जो थी वो मालवा विजय थी। और अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, अकबर की अंतिम विजय पूछी जाए तो अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ थी। असीरगढ़ थी अंतिम विजय। और इस विजय को कहा जाता है, जब अकबर ने असीरगढ़ का किला जीता था तो उसने इसके किले की जो ताले को जो है सोने की कुंजियों से खोला था, सोने की कुंजी से खोला था। तो अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित कराई थी, बाज की आकृति अंकित करवाई थी अपने सिक्कों पर जो है। असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बाज की आकृति अंकित कराई थी। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, औरंगजेब जो था वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया था, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया। और उसने सिक्कों पर बीर अब्दुल बाकी द्वारा रचित पद अंकित करवाया, लेकिन उसने सिक्कों पर कलमा लिखा जाना बंद करा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा लिखा जाना बंद करा दिया, तो अब आंसर होगा निश्चित आपका, औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा लिखा जाना बंद करा दिया। और असीरगढ़ विजय की स्मृति में उसने बाज की आकृति अंकित करवाई थी अकबर ने। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाता, अब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गए हैं, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि इन्हीं में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ इन्हीं में से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आपको ध्यान से समझना होगा कि कौन सा सिक्का चांदी का है, कौन सा सिक्का तांबे का है, कौन सा सिक्का सोने का है, और कौन सा सिक्का कितने मूल्य का है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ जाता आपका कि मुहर आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अकबर ने अपने शासन काल में जो सोने का वह कौन सा सिक्का था, वह कौन सा सोने का सिक्का था जो सबसे अधिक प्रचलित था, तो आपका आंसर आ जाएगा मुहर। मुहर एक सोने का सिक्का था, या क्वेश्चन याद रखता है मुहर था, मुहर मुद्रा प्रणाली में मुहर था, तो ऑप्शन वहां लिखा होगा एक सोने का सिक्का, तो मुहर एक सोने का सिक्का था जिसे अकबर ने अपने शासन काल में प्रारंभ में चलाया था। और मुगल काल का यह सबसे पिछले सिक्का था जो लेन देन में प्रयोग किया जाता था वो मुहर था, और यह सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था, यह मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था मुहर, इसका ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाता आपका इलाही। इलाही भी सिक्का अकबर के द्वारा चलाया गया, अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का था। क्वेश्चन आ जाता है कि इलाही था घनाकार गोलाकार, इस तरह से आ जाता है। तो इलाही अकबर द्वारा सोने का चलाया गोलाकार सिक्का था, इसका मूल्य जो है वो 10 रुपए के बराबर था, माना जाता था। तो समझ लेना आपका कि इलाही अकबर द्वारा चलाया गया सोने का एक गोलाकार सिक्का था। संसब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, यह सबसे अधिक मूल्य का 101 तोले का, यह अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था जो बड़े लेन देन में प्रयुक्त होता था, सबसे महंगी मुद्रा मान लो
ये सबसे बड़ा सोने का सिक्का था संसद, और ये बड़े लेन देन में प्रयोग में लाया जाता था, ये बड़े लेन देन के प्रयोग में लाया जाता था। तो मोहर सोने का सिक्का था और इलाही सोने का सिक्का था, संसद सोने का सिक्का था, ये समझ लेना इसमें, मोहर इलाही संसद ये सोने के सिक्के थे। इसके बाद हम आ जाते हैं, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है, इसके बाद आपका पूछा जाता है कि रुपया, रुपया जाता है, रुपया सिक्का जो है शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था, ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था जो 175 ग्रेन का होता था, चांदी का सिक्का था, रुपया व्यवस्था ही शेरशाह सूरी के द्वारा लाई गई थी और रुपया शुद्ध चांदी का सिक्का था और इसका मूल्य जो है, इनका वजन जो था वो 175 ग्रेन होता था, इसका वजन जो है वो 175 ग्रेन का था। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, रुपया प्रणाली कौन सा शासक था इसके समय में रुपया प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो रुपया प्रणाली की भले ही सिक्का था लेकिन रुपया प्रणाली की शुरुआत शेरशाह सूरी के समय में हुई थी। दाम जो है, दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, ये तांबे का सिक्का था, और जलाली जो है वो चांदी का वर्गाकार चौकोर सिक्का था, चांदी का वर्गाकार चौकोर सिक्का था, इसे अकबर ने चलाया था। तो बच्चों समझ लेना कि अगर ये आ जाए आपका कि मोहर अकबर के सिक्के, समझ लेना मोहर आ जाए तो अकबर का सिक्का था, इसके अलावा आपका संसद आ जाए तो अकबर का सिक्का था, इलाही आ जाए तो अकबर का सिक्का था, दाम आ जाए अकबर का सिक्का था, इसके अलावा जलाली आ जाए, जलाली आ जाए तो अकबर का सिक्का था। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें सोने के सिक्के कौन से थे, तो मोहर सोने का सिक्का था, संसद सोने का सिक्का था, इलाही सोने का सिक्का था, दाम जो है वो आपका तांबे का सिक्का था, जलाली जो है वो चांदी का वर्गाकार चौकोर सिक्का था जिसे अकबर ने चलाया था, चांदी का वर्गाकार चौकोर सिक्का था जिसे अकबर ने चलाया था। जो समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट ले चलते हैं, और नेक्स्ट आपका आ जाता है कि जीतल, जीतल जो है वो आपका आ जाता है सबसे छोटा सिक्का, तांबे का सबसे छोटा सिक्का था जीतल, जीतल जो है वो तांबे का सबसे छोटा सिक्का, मुगल काल में तांबे का सबसे छोटा सिक्का जो है वो जीतल था, जीतल मुगल काल में तांबे का सबसे छोटा सिक्का था। अब यह ध्यान से सुनना, इसे फलूस भी कहा जाता था और पैसा भी कहा जाता था, इसे फलूस या पैसा के नाम से भी जाना जाता था, इसे फलूस या पैसा के नाम से भी जाना जाता था, और ये जीतल था। इसके अलावा आपका निसार जो है ये जहांगीर द्वारा चलाया गया सिक्का था, जहांगीर द्वारा चलाया गया सिक्का था, और तांबे का सिक्का था जो रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था, चौथाई मूल्य के बराबर होता था। निसार जो है वो आपका जहांगीर के द्वारा तांबे का सिक्का था, और आना शाहजहां के द्वारा चलाया गया था, आना सिक्का जो है वो शाहजहां के द्वारा चलाया गया था, दाम और रुपए के बीच नामक एक सिक्का था जिसका नाम था आना, ये आपका शाहजहां के द्वारा चलाया गया था। तो ये आपको समझना पड़ेगा, मोहर संसद दाम इलाही जलाली जीतल निसार आना, ये आपको समझना पड़ेगा, ये चांदी के कौन से थे और तांबे के कौन से थे, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण, यही निर्भर करेगा आपको तांबे और सोने और चांदी के कौन से थे। तो मोहर मुगल काल में सोने का सिक्का था, संसद सोने का सिक्का था, इलाही सोने का सिक्का था, दाम तांबे का सिक्का था, जलाली चांदी का सिक्का था, इसके अलावा जीतल तांबे का सिक्का था, निसार जो है वो तांबे का सिक्का था, और आना जो है वो भी आपका सबसे दाम और रुपए के बीच नामक एक सिक्का था। तो ये, और मुगल काल में सबसे अधिक जो आम सबसे अधिक मूल्यों में प्रयोग किया जाता था वो था
संसव और प्रचलित सिक्का पूछा जाए, आम तौर पर प्रचलित सिक्का था वो आपका था मोहर। सबसे प्रचलित सिक्का जो था वो आपका मोहर था। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रिवीजन की ओर। तो आपको अभी तक जो है सिक्कों के विषय में बताया, अब आपको जो है अध्ययन आप उसका जो है रिवीजन करवाएंगे आपका उसका, उसके विषय में थोड़ा बहुत बताएंगे। तो बच्चों समझ लेना, हमने आज सिक्कों की बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई हैं और खासकर मुगलकालीन सिक्कों की व्यवस्था बताया है। तो बच्चों हमने आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये कि मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था, मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस सिक्के का जो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपको पता होगा, सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था, मोहर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया, मोहर मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का था। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे अधिक मूल्य में, सबसे बड़े लेन देन में, सबसे बड़े लेन देन में मुगल काल के मुगल काल मुद्रा प्रणाली में कौन से सिक्के का प्रयोग किया जाता था, तो आपका आंसर आना चाहिए। और आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है, संसव जो है बड़े लेन देन में प्रयोग किया जाने वाला सिक्का था। संसव बड़े लेन देन में प्रयोग किया जाने वाला सिक्का था। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाए आपका, जहांगीर ने जो है जहांगीर ने जो तांबे का सिक्का चलाया था वो कौन सा था, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा निसार। निसार जो है वो एक ऐसा सिक्का था वो जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता, आना नामक सिक्का कौन से मुगल बादशाह के द्वारा चलाया गया है, आना नामक सिक्का कौन से मुगल बादशाह के द्वारा चलाया गया, तो आपका आंसर होगा आंसर शाहजहां के द्वारा चलाया गया। आना नाम का सिक्का जो है वो शाहजहां के द्वारा चलाया गया। इसके अलावा आ जाए इलाही, इलाही नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, इलाही नामक सिक्का जो है वो अकबर के द्वारा चलाया गया, इलाही नाम का सिक्का अकबर के द्वारा चलाया गया। जलाली नाम का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, तो आपका आ जाएगा जलाली नाम का सिक्का भी अकबर के द्वारा चलाया गया। और जो शाही टकसाल अकबर ने कहाँ स्थापित की थी, तो आंसर होगा आपका दिल्ली में स्थापित की थी शाही टकसाल। शाही टकसाल का प्रधान किसे नियुक्त किया गया था, शाही टकसाल का प्रधान जो है नियुक्त किया दुस्समत को। और शाही टकसाल के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो शाही टकसाल के प्रमुख को जो कहा जाता था वो दरोगा कहा जाता था। शाही टकसाल के प्रमुख को दरोगा कहा जाता था। तो बच्चों यहां तक हमने आपको बताया और मुद्रा व्यवस्था के विषय में बताया है, समझ में आ गया होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण आज टॉपिक पढ़ाया है, बार बार ध्यान रखना, समझना इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन यदि आपका सही हो जाता है तो एक क्वेश्चन आपको बहुत अधिक परिवर्तन आपके कैरियर का एक निर्माण कर देता है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें समझें। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, धन्यवाद।